ठीक है, कल की क्लास में अपन ने क्या किया था? सर्वो प्रोग्राम विदाउट मेन मेथड वाला। अच्छा, विदाउट मेन मेथड हो गया था, कंप्लीट हो गया था स्टैटिक। हाँ सर। ओके, ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे दिस कीवर्ड। ठीक है, दिस कीवर्ड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दिस कीवर्ड क्या होता है? दिस कीवर्ड जावा में एक ऐसा कीवर्ड होता है जो करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। ठीक है, किसको रिफर करेगा? करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। ठीक है, जैसा हम लोग एक क्लास में बहुत सारे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मगर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग कंस्ट्रक्टर से कॉल करते हैं, मेथड से कॉल करते हैं, या फिर जो भी डेटा मेंबर से हम लोग क्या करेंगे, उसको इनिशियलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान के चलो एक ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए हैं और उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, हो सकता है कि सेकेंड वाला भी जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, है ना? तो उस कंडीशन पे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, देयर कैन बी लॉट ऑफ यूजेस ऑफ जावा दिस कीवर्ड। इन जावा दिस इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रिफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा रेफरेंस वेरिएबल होता है जिसके थ्रू हम लोग करंट ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिस रेफरेंस वेरिएबल है वो किस किस को रिफर करता है? स्टेट और बिहेवियर को, मतलब पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे देखो, यूसेज ऑफ दिस कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, सिक्स यूसेज है इसके। ठीक है, दिस कैन बी यूज टू रिफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड, दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर, दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्गूमेंट टू द मेथड कॉल, दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्गूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल, दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द क्लास करंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड। ठीक है, सिक्स यूसेज है इसके, हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, दिस कैन बी यूज टू रिफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, करंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल जैसे हम लोग इसको रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके यूसेज को वही डायग्रामेटिकली दिया हुआ है, इसका जनरली कोई मतलब नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है दिस टू रिफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे देखो, द दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रिफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल इफ देयर इज एम्बिग्यूटी बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो हम लोग कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं या फिर ऐसा मेथड बना रहे हैं जिसमें उस मेथड के पैरामीटर्स का नेम और जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स है उसका नेम, दोनों के अगर नेम सेम हो, ठीक है, तो हम लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कि इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करें या फिर किसकी वैल्यूज़ वहाँ पे हम लोग देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्लास बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्लास बना हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, इसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग बना लिए, इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और फ्लोट फीस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर लिए हैं जिसमें इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम और फ्लोट फी तीनों सेम दिए, इंस्टेंस वेरिएबल का नेम, ठीक है, और यहाँ पैरामीटर्स के नेम दोनों सेम है। ठीक है, जब हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे,
तो यहाँ पे क्या होगा, रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, ऐसा हम लोग कर रहे हैं, तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि ये रोल नंबर ये वाला है या फिर ये वाला है, ठीक है, दोनों के नेम में कंफ्यूजन होगा। आया समझ में? ठीक है, चलो इसी प्रोग्राम को हम लोग बना के देखते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ नोटपैड प्लस प्लस पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट पैरामीटराइज वाला जो प्रोग्राम था सेम वैसे ही हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्या था, क्लास स्टूडेंट, यहाँ पे दिस, ठीक है, दिस वन करता हूँ मैं, और यहाँ पे वॉइस आ रही कि नहीं मेरी? स्ट्रिंग नेम, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट मोबाइल। ठीक है, तीन वेरिएबल ले लिया मैं यहाँ पे, स्टूडेंट दिस वन नाम से इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, डॉट जावा। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नाम क्या रहेगा, स्टूडेंट दिस वन, और यहाँ पे मैं उसके पैरामीटर्स ले लेता हूँ। ठीक है, पैरामीटर्स क्या क्या लूँगा, सेम यही। ठीक है, मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, तीनों में सेम ले लिया, क्लियर। अब यहाँ पे लिखूँगा रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर। ठीक है, नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, मोबाइल इक्वल टू मोबाइल। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पता चल पा रहा है कि कौन कौन सा है, ये वाला रोल नंबर ये है कि ये है, कैसे पता चल पाएगा, सबका नेम सेम है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, सबका नेम सेम है, पता चल पा रहा है क्या? नहीं पता चल पा रहा? ठीक है, चलो आके हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड हम लोग बना लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, स्टूडेंट दिस वन का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। कैसे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे टी वन में बनाया इक्वल टू न्यू स्टूडेंट दिस वन। ठीक है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, तो वैल्यूज यहाँ पास करनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ रोल नंबर 1001 कॉमा स्ट्रिंग में नेम में डाल देता हूँ, कौन है आज प्रेजेंट, ओके गौरव का डाल देते हैं। ठीक है, गौरव का डाल दिया हम लोग, क्लियर। और मोबाइल नंबर भी हम लोग कुछ डाल देते हैं यहाँ पे, कुछ भी ऐसे नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ये मोबाइल नंबर हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग इसको इनिशियलाइज कर लिए हैं। ठीक है, सेव करते हैं इसको, रन करते हैं। ठीक है, कमांड में चले जाते हैं अपन, cd backslash e java bca3, सॉरी cd java bca3। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे java c student this one dot java। कंपाइल हो गया, अब रन करते हैं इसको, तो क्या बताएगा देखना। ओके, यहाँ प्रिंट हम लोग किए ही नहीं ना, प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट के लिए पब्लिक वॉइड डिस्प्ले
ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोग यहाँ कर लिए। अरे यार ठीक है, यहाँ पे हम लोग दे देंगे रोल नंबर, ठीक है, प्लस प्लस नेम, प्लस प्लस और यहाँ पे दे देंगे मोबाइल। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ t1.display, t1.display। ठीक है, अब वापस से हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, कंपाइल कर लिया मैंने और रन किया तो क्या आया, जीरो नल जीरो। ठीक है, लेकिन मैंने वैल्यू डाला है यहाँ पे, दिख रहा है, वैल्यू मैंने डाला है यहाँ पे, दिखा। ठीक है, तो ये किसको इनिशियलाइज किया, किया कि नहीं किया, हम लोग को पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों के नेम सेम है, आया समझ में। तो यहाँ पे जो जावा कंपाइलर है हम लोग का, वो कंफ्यूज हो चुका है। क्या हो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस, दिस डॉट करके लिखता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, दिस डॉट, दिस डॉट, सेव करता हूँ मैं इसको और यहाँ पे जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। अभी देखो आ गया, आया। तो यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी एरर आता है, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया अभी एरर, और यहाँ पे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशलाइज कर दिया इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है और कौन सा लोकल वेरिएबल है, दोनों में क्या हो जा रहा था, कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे, उसको रिजॉल्व कर दिए। कैसे रिजॉल्व कर दिए, दिस कीवर्ड लगा के। दिस कीवर्ड जो है हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल पे ही लगेगा। ठीक है, दिस कीवर्ड जो है हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल पे ही लगेगा, क्योंकि वो क्लास को, क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग के पास दो चीज़ें अवेलेबल होती है, एक तो मेथड होता है, दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हमेशा या तो मेथड में लगेगा, या कंस्ट्रक्टर में लगेगा, या फिर किस में लगेगा, वेरिएबल पे लगेगा। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर, तीन ही चीज़ों में लग सकता है। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया पक्का। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इज मेथड ए लिख दिया। ठीक है, अब इस वॉइड बी में क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड बी में, ठीक है, सेम यहाँ पे देते, दिस इज मेथड बी कर देते हैं। ठीक है, बी में बी का डिस्प्ले होगा, ए में ए का डिस्प्ले होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस ए को कॉल करूँगा, कहाँ कॉल करूँगा, यहाँ पे कॉल करूँगा। ठीक है, बी के अंदर में मैं मेथड ए को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, कॉल कर दिया मैंने ए को कॉल कर दिया। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं t1 ऑब्जेक्ट जो है, t1.b को कॉल किया। ठीक है, कर सकते कि नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, कंपाइल करते हैं इसको और क्या आउटपुट आता है देखते हैं, क्या आउटपुट आया।
ठीक है, दिस इज मेथड बी आया सबसे पहले ये, और ये इसको कॉल कर दिया, क्लियर। अभी तो है एक ही ऑब्जेक्ट, मैं सेम वैसे क्या करता हूँ, दो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। इसको कर देते हैं टी टू, और यहाँ पे भी कर देते हैं टी टू, यहाँ पे भी कर देते हैं टी टू, ठीक है। वापस से हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। सेम आ रहा है आउटपुट, कुछ दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने दिस यूज़ नहीं किया है अभी, ठीक है। हम लोग चाहें तो यहाँ पे भी दिस यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे करते हैं तो क्या आउटपुट में चेंजेस आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह इस मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो हम लोग ने तो सेम क्लास ही यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है, क्लास स्टूडेंट दिस वन में ही सारा चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी सिंगल पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस बनाए और मल्टीपल क्लासेस में इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना बना के हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ये ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं, सेम ये प्रोसेस हम लोग दूसरे कोई क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस पे क्या हो जाता है कि वहाँ पे भी अगर मान के चलो ए या बी नाम से कोई मेथड बना होगा, ठीक है, उस क्लास में भी ए या बी नाम से अगर कोई मेथड बना होगा तो उस केस पे क्या होगा, यहाँ पे एम्बिग्यूटी जैसे कि होता है, मतलब कन्फ्यूजन होगा कि वो स्टूडेंट दिस वन का कॉल करें कि अपने क्लास के ऑब्जेक्ट का कॉल करें, ठीक है। अगर दो मेथड सेम नेम के हो जाते हैं तब के केस में इस प्रकार के दिक्कतें होती है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे क्या लगा देंगे, दिस। दिस से क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट कॉल किया है, जैसे टी टू ऑब्जेक्ट कॉल किया है बी को, ठीक है, टी टू ऑब्जेक्ट किसका है, स्टूडेंट दिस वन का है, ठीक है, तो इसी के मेथड को वो कॉल करेगा, ठीक है। यहाँ पे दिस लिखे हैं मतलब ये दिस किसको रिफ़र करेगा, इस टी टू को रिफ़र करेगा, आया समझ में। तो हम लोग क्या करते हैं जब अलग अलग क्लासेस में उसको कॉल करते हैं, क्योंकि देखो जावा क्या है, रीयूजेबिलिटी हम सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करने का मतलब यही है कि हम लोग एक बार कोड लिखते हैं और उसको हर जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग अगर एक क्लास में सारी चीज़ डिफाइन कर दे रहे हैं, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट बना के हम लोग उस मेथड को कॉल करते हैं, उसके अंदर जितने भी मेथड है उसको कॉल करते हैं, अगर कभी सेम नेम के मेथड हो जाते हैं तो उस केस पे हम लोग यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे दिस लिख देते हैं, आया समझ में। तो इससे क्या होगा कि करंट ऑब्जेक्ट जिस क्लास का भी होगा उसी क्लास का मेथड कॉल होता है, आया समझ में, आया कि नहीं आया, क्लियर है। ठीक है, तो दिस हम लोग किस किस के साथ यूज़ किए, इंस्टेंस वेरिएबल के साथ में यूज़ किए है और मेथड के साथ में यूज़ किए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और टाइम मिलेगा तो लिख लेना, क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया, अब इसका थ्योरी भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिए स्क्रीनशॉट, ओके, ठीक है। तो इसका थ्योरी पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा कंपाइलर होता है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस टू इन्वोक करंट क्लास मेथड, ठीक है।
यू मे इन्वोक द मेथड ऑफ द करंट क्लास बाय यूजिंग द दिस कीवर्ड. इफ यू डोंट यूज द दिस कीवर्ड द कंपाइलर ऑटोमेटिकली एड्स दिस कीवर्ड वाइल इन्वोकिंग द मेथड. ठीक है, अगर हम लोग दिस कीवर्ड नहीं भी लगाते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, उसमें बाय डिफॉल्ट दिस कीवर्ड ऐड करके ही उसको कॉल करता है. ठीक है, तो मेथड में लगाना ऑप्शनल होता है, जैसे मैंने बताया, नहीं भी लगाओगे तो भी काम करेगा. मतलब वो क्या करेगा, जावा कंपाइलर पहले से उसमें ऐड करके हम लोग को प्रोवाइड कर देता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे. इस डायग्राम पे देखो, क्लास ए है, वॉइड एम लिए है यहाँ पे. ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं डाले, फिर वॉइड एन ले लिया है यहाँ, और उसके अंदर एम को कॉल कर, जैसा हम लोग ने किया है. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में न्यू ए डॉट एन यहाँ पे कॉल किए. ठीक है, न्यू ए क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ये ऐसे ही बनाया वो पूरा पूरा. ठीक है, डॉट एन को कॉल किया है, किसको कॉल किया, वॉइड एन को कॉल किया है. ठीक है, तो यहाँ पे किसको कॉल हुआ है, एम को कॉल हुआ है, और एम ये है. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दिस कीवर्ड यूज़ नहीं किया है अभी. ठीक है, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इसमें एम जब कॉल होगा तो वहाँ पे दिस डॉट एम करके कॉल करेगा. क्लियर, आया समझ में, दिस कीवर्ड मेथड के लिए कैसे यूज़ करते हैं, मेथड इन्वोकेशन के लिए. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिस टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर के लिए कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में.